थैंक यू जिसने मेरे रिवाइंड करवाया। है ना, तो ये आपका गया। तो जस्ट आपने इसमें ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन इन वन डी में ये आपने कुछ कंसेप्ट पढ़ लिए। अब इसमें हम आते हैं, इसका मतलब समझते हैं ड्रॉ करके। तो अभी जो हम ग्राफ पढ़ रहे हैं ना, उसमें वेरिएबल एक्सलेशन नहीं, सारा जो ग्राफ पढ़ रहे हैं वो यूनिफॉर्म एक्सलेशन का है ना? कि जो भी आप ग्राफिकल एनालिसिस यहां पे कर रहे हो, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट एक्सलेशन, विथ कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन, ये हम पढ़ रहे हैं कि मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन, है ना? ये आप पढ़ रहे हैं, है ना? तो सिंपल सा मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट एक्सलेशन में अगर मैं कोई यहां पे डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ बनाता हूँ, है ना, कि सपोज मैंने यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ बना लिया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट आ गया, है ना, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपने टाइम ले लिया, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, है ना, एक्स टी लिखते हैं हम इसे, है ना। तो मैं अगर कोई ग्राफ इसमें बनाता हूँ इस तरह से, ऐसा, तो इससे क्या सोचते हो, इस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए अगर कॉनकेव नेचर का कर्व है तो? अगर इस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम से क्या वेलोसिटी के बारे में मैं कोई आइडिया लगा सकता हूँ, तो बता सकता है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। हाँ, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है। आप देखो कि यहां पर स्लोप में डालूंगा टेंजेंट, तो ये एंगल कुछ कम होगा, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ये एंगल बढ़ता जाएगा ना, तो मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो स्लोप इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। कि एक्स टी कर्व जब भी इस तरह से कर्व होगा, है ना, कॉनकेव नेचर का, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग कर्व होता है। वेलोसिटी उस केस में क्या होती है, इसलिए आपकी इंक्रीज होती है। तो अगर मैं इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं, तो इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपका ऐसा आ जाएगा, है ना, इसका अगर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाए, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपका इस तरह से आ जाएगा, ये वी हो गया, ये आपका टी हो गया। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा वो आपका इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी, है ना। तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इस ग्राफ का स्लोप ही क्या होता है, बेसिकली आपका वेलोसिटी होती है। स्लोप मतलब ये एंगल, एंगल इंक्रीज हो रहा है। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बाद से आप कोई एक्सलेशन का आइडिया लगा सकते हो क्या? एक्सलेशन का क्या होगा? कांस्टेंट। एक्सलेशन कांस्टेंट, क्योंकि आप देखो इसका ये एंगल कांस्टेंट है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का एंगल कांस्टेंट रहता है ना, तो एंगल कांस्टेंट रहेगा मतलब इसका एक्सलेशन कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे एक्सलेशन की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, इसलिए आपका कांस्टेंट, है ना, कि यहाँ पे अगर एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया हम इस तरह से, तो एक्सलेशन की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी और पॉजिटिव होगी। एक्सलेशन कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट एक्सलेशन है, है ना, और वो पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट एक्सलेशन कोई भी ए आ गया, है ना, पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है ना। इस तरह से जब एक्यूट एंगल बनता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव स्लोप होता है, इसको हम लिखेंगे पॉजिटिव एंड कांस्टेंट स्लोप। तो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट स्लोप का मतलब हो गया कि वेलोसिटी एक्सलेशन पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट रहेगा। ये जो स्लोप है इसका अगर मैं नेचर लिखूं, तो ये आपका है पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप, ये पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप है कि पॉजिटिव तो है ही लेकिन इसके साथ बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सलेशन कांस्टेंट है, हाँ, तो पहला नेचर तो आपका ये आ गया। इसी का उल्टा ले सकते हैं हम इस तरह से, कोई कर्व अगर मैं यहाँ पे इसी केस में इस तरह से बना दूं, यह कह रहा कि भाई कॉन्वेक्स नेचर का कोई कर्व आ गया, यहाँ पे कर्व जो हम बनाते हैं
इस तरह से बना देंगे, ये ऐसा कर्व को लाइक like दैट। तो इससे क्या आप आइडिया लगाते हो, इस केस में क्या होना चाहिए, इससे कोई आइडिया लगता है कि आपको कि अगर ये एक्सटी कर्व है स्लोप डिक्रीज हो रहा है। हाँ, स्लोप पॉजिटिव है और डिक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, है ना। देखो इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और इंक्रीजिंग का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, है ना। ऐसे ही इस केस में स्लोप तो अभी भी पॉजिटिव है, आप देखो यहाँ पे कुछ एंगल आप बनाओगे, लेकिन अब ये एंगल धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे एंगल क्या हो रहा है, बेसिकली आपका डिक्रीज हो रहा है। तो इसके स्लोप के बारे में हम ये लिखेंगे कि स्लोप इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और डिक्रीज होगी। तो जब मैं इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊंगा, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आप पे इस तरह से आएगा, सब चीजें स्लोप और एरिया से हम इस तरह से कंसर्न करते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो होगा वो आपका इस तरह से आ जाएगा, लाइक दैट, कि भाई वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और इस तरह से डिक्रीज हो रही होगी, लाइक दैट, हाँ, कि वेलोसिटी को यू वैल्यू से स्टार्ट हो जाएगी, अपने स्टार्टिंग इसकी कुछ वैल्यू हो सकती है और धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। जब टॉप पे जाएंगे तो ऑलमोस्ट देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब स्लोप जीरो हो गया ना, स्लोप जीरो होने का मतलब वेलोसिटी जीरो हो गया, मतलब ये आपका आ गया इस तरह से, तो ये आपका वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। इससे एक्सटेंशन का क्या आइडिया लगाएंगे हम इसमें, अगर कांस्टेंट है और नेगेटिव है, नेगेटिव है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखो अब जो स्लोप है ना वो तो इस क्वाड्रेंट में चला गया ना, ऐसा बन गया एंगल। अब देखो स्लोप इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर हम लेंगे तो ये ऑब्ट्यूस एंगल आ गया, तो जब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होती है तो टेन थीटा निगेटिव होता है, तो हम इसके स्लोप के बारे में बोलेंगे कि स्लोप इज निगेटिव एंड कॉन्स्टेंट, है ना, मतलब एक्सलेशन भी निगेटिव होगा और कॉन्स्टेंट होगा। तो जब मैं इसका एक्सलेशन वर्सेस टाइम कर्व बनाऊंगा तो एक्सलेशन वर्सेस टाइम कर्व जो होगा वो आपका स्ट्रेस हो जाएगा, कि जब आप यहाँ पे एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओगे है ना, इसको अलग से कहीं पे बनाओगे थोड़ा सा, ये बीच से लाइन खींच देते हैं, एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जब भी आप बनाओगे तो एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपका इस तरह से हो जाएगा, हाँ। तो एक्सलेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी अब निगेटिव हो जाएगी, नीचे बनाएंगे, कोई भी पॉजिटिव चीज ऊपर बनती है, निगेटिव चीज ग्राफ के नीचे बनती है, तो जो एक्सलेशन होगा वो आपका इस तरह से आप नीचे बना लोगे निगेटिव, आप रिटार्डेशन भी बोल सकते हो उसको, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि आप निगेटिव एक्सलेशन वर्ड यूज करें, कि हम ज्यादा अच्छा होगा कि हम यहाँ पे नेगेटिव एक्सप्रेशन माइनस से लिखेंगे। फिर ध्यान रखना कि जब भी इस तरह से कॉनकेव नेचर का कर्व होगा तो वेलोसिटी बढ़ती है, एक्सटी कर्व है ना, एक्सटी कर्व अगर कर्व है तो वेलोसिटी बढ़ रही है कॉनकेव नेचर का, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव कॉन्स्टेंट होगी। जब कॉन्वेक्स नेचर का ऐसे कर्व होगा तो वेलोसिटी कम होगी और एक्सप्रेशन की जगह पे रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो उसको कई बार हम इस तरह से याद भी रखते हैं, है ना, कि जब भी आपका एक्सटी ग्राफ स्माइलिंग है ना, कि इसको याद रखने का एक तरीका होता है, इफ एक्सटी ग्राफ इज स्माइलिंग, है ना, ये बड़ा पॉपुलर टूल है, उसको इजिली फिर कभी कन्वर्जन में गड़बड़ नहीं होती, इफ एक्सटी ग्राफ इज स्माइलिंग, स्माइलिंग देन एक्सलेशन इज पॉजिटिव, यह सॉफ्ट है, एक्सटी ग्राफ जब भी स्माइलिंग होगा तो उस केस में एक्सलेशन पॉजिटिव होगा, स्माइलिंग का मतलब इस तरह से कॉनकेव नेचर का कर्व, तो भाई कोई भी पर्सन जिस तरह से जब स्माइल करता है ना तो उसका चेहरा ऐसा बनता है ना, स्माइल करेगा तो उसका चेहरा ऐसा ही तो बनेगा, तो जब भी इस तरह से कॉनकेव नेचर का कर्व होगा मतलब एक्सटी ग्राफ स्माइलिंग है, और स्माइलिंग है मतलब एक्सलेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, या उसको उल्टा सही है कि जब एक्सलेशन पॉजिटिव होगा तो एक्सटी ग्राफ स्माइलिंग कर देगा, है ना, ऐसे हम यहां पे लिख लेते हैं कि अगर एक्सटी ग्राफ सैड होगा
if xt graph is sad, then acceleration is negative. है ना, सैड का मतलब स्ट्रेस हो गया कि कोई भी पर्सन जब सैड होगा तो इसका फेशियल एक्सप्रेशन जो होगा वो सैड कर्व का मतलब ये हो गया, इसका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होगा. तो जब भी इस तरह से कॉन्वेक्स नेचर बनेगा है ना, तो उस केस में एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी, या एक्सप्रेशन नेगेटिव होगी तो ये सैड कर्व बन जाएगा कॉन्वेक्स नेचर का. तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन के केस में कन्वर्जन के लिए इस टूल को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना, कि सारे कंसेप्ट को हम क्या करेंगे इसलिए आप तो यूज करेंगे. वैसे तो एंगल में ये भी ले सकता था क्योंकि tan 180 माइनस थीटा जो होता है ना वो माइनस tan थीटा ही तो हो जाता है ना, तो माइनस tan थीटा हो जाएगा तो मतलब वो थीटा ये भी हो सकता था, है ना. अगर इस तरह से यहाँ पे एंगल लेना तो नेगेटिव स्लोप भी होता है ना, तो स्लोप नेगेटिव और पॉजिटिव का कंसेप्ट आ जाएंगे. तो इस तरह से अगर एंगल मेजर कर रहा हूं, अगर ये 90 से कम है मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव है, अगर इस तरह से एंगल मेजर करने में 90 से ज्यादा एंगल बन रहा है तो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्लोप हम ये जानते हैं. हाँ, तो ये हम थोड़ा ध्यान देते हैं. तो जैसे अब आ जाते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स बाय ग्राफिकल मेथड. तो आपने कैलकुलस मेथड पढ़ा था, थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड भी पढ़ लेते हैं कि सेम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स को हम ग्राफिकली कैसे ड्राइव कर सकते हैं, जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा उसके बेसिस पे. है ना, तो यहां पे डेरिवेशन आ गया कि दिस इज योर डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स. By graphical method. Graphical method. हाँ, तो graphical method से हम drive कर सकते हैं कोई slope and area से, कि अगर मैं equation of kinetics को drive करूँ तो equation of kinetics सही तो होता है कि एक particle t equal to zero पे यहाँ पे था, इसकी initial velocity u थी, इसमें कुछ acceleration a लग गया, तो किसी t time के बाद अगर यहाँ पे पहुँच गया ही, उसकी velocity v हो गई और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस हो गया. तो इसी को हम रिलेट करते हैं. तो जो हम ग्राफ बना रहे हैं उसका मतलब मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन के ही सारे ग्राफ हैं. मतलब कर्व बनाने का मतलब ये नहीं कि कर्व के अलोंग कोई चीज आ रही है, जस्ट उसका ग्राफ है कि अलग अलग इंटरवल में अगर अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो चीज कर्व आ जाएगी. तो मैं इसको ड्राइव करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना लेता हूँ इस सिचुएशन का जो मैंने यहाँ पे शो किया है. इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना लेते हैं, इसी से सारा कुछ आ जाएगा आपका कि जो सिचुएशन है इसका हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं. मोस्टली क्वेश्चन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना के ही होता है, वी वर्सेस टी ग्राफ. तो आपको पता है टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो नहीं थी बल्कि यू थी, मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा. और चूंकि यूनिफॉर्म एक्सलेशन की हम बात कर रहे हैं तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा कि जब भी यूनिफॉर्म एक्सलेशन होगा तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की वैल्यू स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, है ना, आफ्टर सम टाइम्स टी. अब इसकी वेलोसिटी जो होगी यू से चेंज होके वी हो गए, बस इसे सॉल्व कर लेंगे, है ना. ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसकी वेलोसिटी वी हो गई यहाँ पे, है ना. किसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसके लिए आपकी इस तरह से वी हो गई. तो अभी आपने बोला है कि एक्सलेशन इसका क्या होगा, है ना, कि सिंपल सा हम बोलेंगे कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सलरेशन,
वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपका एक्सटेंशन होता है, तो इसका स्लोप का मतलब मुझे टेन थीटा निकालना है। तो आपको पता है इसका बेस तो टी है और ये जो इसका डिस्टेंस होगा ये वी माइनस यू हो जाएगा, और ये एंगल अगर थीटा है तो मैं यहां से टेन थीटा लिख सकता हूँ कि भाई एक्सलेशन ही टेन थीटा के इक्वल होगा, और ये फर्दर इक्वल हो जाएगा वी माइनस यू बाई टी के। तो वी टी ग्राफ का स्लोप अगर एक्सलेशन होता है तो स्लोप का मतलब टेन थीटा होता है, वो ए के इक्वल है और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस के इक्वल हो जाएगा। तो बस फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो गई यहाँ से, तो यहाँ से आ गया वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। बस स्लोप लेके आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स ड्राइव कर लिया बाय ग्राफिकल मेथड। सेकंड सॉल्व करते हैं कि भाई जो इसका वी टी का एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इसका एरिया हो जाएगा, मतलब एस लोगे तो मतलब इसका एरिया हो जाएगा। आप एरिया निकालेंगे तो पहले तो एक आप इस तरह से एरिया जो लोगे ये वाला ले लोगे, तो ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया तो यू इंटू टी हो जाएगा, और फिर आप ये वाला एरिया ले लोगे, ये आपका हो जाएगा प्लस हाफ परपेंडिकुलर हो जाएगा वी माइनस यू इंटू टी ट्राइंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया यू इंटू टी, ट्राइंगल का एरिया परपेंडिकुलर बाई इंटू बेस का हाफ हो जाएगा। और अभी आपने पढ़ा है कि वी माइनस यू की वैल्यू 80 होती है ना, तो यहां से वी माइनस यू की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, है ना, कि वी माइनस यू की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है 80 के, तो यहाँ पुट कर देंगे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स आ गई। तो यू टी प्लस क्या आ गया, इसलिए आपका हाफ 80 स्क्वायर आ गया क्योंकि आपने एरिया से निकाल लिया, सेकंड आ गया। ऐसे थर्ड आ जाएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स, जैसे आप एरिया जो आपने फॉर्मूला लिया है वो स्प्लिट करके लिया है, इकट्ठे ले लो आप इस तरह से, ट्रेपेजियम का एरिया ले लेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, है ना। तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम जब लेंगे हम इस तरह से, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल हाइट्स वी प्लस यू इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये वाला पूरा वी था और ये यू था, तो सम ऑफ द पैरेलल हाइट्स वी प्लस यू हो जाएगा बाय डिस्टेंस बिटवीन टी था। तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वी प्लस यू, है ना, हाँ, वी प्लस यू बाई टू इंटू टी, तो डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहां से जैसे आपने यहां पे इसकी वैल्यू पुट की, आप टाइम की वैल्यू भी तो पुट कर सकते थे, अगर टाइम को मुझे एलिमिनेट करना है तो टाइम इज इक्वल टू मैं ये पुट कर सकता हूँ वी माइनस यू बाई ए, है ना, टाइम की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ वी माइनस यू बाई ए, वो पुट कर दो आप यहाँ पे। तो यहां से आपका आ गया वन बाई वी प्लस यू इंटू आपका वी माइनस यू, और ये आपका अल्टीमेटली आ गया हाफ ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बस इधर उधर रिशफल करेंगे तो आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। तो कई बार ग्राफिकल मेथड से भी हम इसको क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, तो डेरिवेशन आपको ग्राफिकल से भी आना चाहिए, है ना। कैलकुलस से तो आपने ड्राइव किया ही था, ग्राफिकल से भी आना चाहिए, एकदम सिंपल सा है। स्लोप से पहला आ गया, एरिया दो पार्ट में करके लिया तो सेकेंड आ गया, ट्रेपेजियम का एरिया ले लिया तो थर्ड सीधे आ गया, बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन से। आप इसमें आपने वी माइनस यू की वैल्यू पुट की है, इसमें टाइम की वैल्यू पुट कर दी है, क्योंकि टाइम ही तो हटाना होता है, हाँ, कि इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू क्या होनी होती है, हटानी होती है, तो हम कर सकते हैं ऐसे। तो इस तरह से आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, या
हाँ ट्रेपेजियम हो गया आपका, इस तरह से एरिया हम क्या कर सकते हैं, इसलिए आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका गया। तो मैं एक क्वेश्चन मैं खुद से सॉल्व करके आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, फिर आपको मैं न्यूमेरिकल्स दूंगा सॉल्व करने के लिए। पहले मैं एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेता हूँ, हाँ एक दो क्वेश्चन खुद से करूंगा, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, है ना। तो उससे समझ में आ जाएगा, फिर हम उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे आ जाएंगे। पहले थोड़े से बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। जो नेक्स्ट चीज है आपकी, एक न्यूमेरिकल मैं ले लेता हूँ बेस्ड ऑन द ग्राफ कन्वर्जन। यस सर, है ना। तो यहां पे मुझे ना एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। इट हैज बीन गिवन कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इज गिवन, कि कोई डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम दिया हुआ है। ये आपको सॉल्व नहीं करना है, एज ए इलस्ट्रेशन मैं ही सॉल्व कर रहा हूं, सो दैट आपको ये चीज समझ में आ जाए, फिर आप अटेम्प्ट करना। ये आपका कोई डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, हाँ, ये ग्राफ आपको इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि भाई पहले ग्राफ इस तरह से स्माइलिंग कर्व था, हाँ, कि पहले इस तरह से आपका स्माइलिंग कर्व था, फिर ये स्ट्रेट लाइन हो गया ऐसे सीधे, है ना, और फिर उसके बाद ये बैंड होके सेट कर गया, ये ग्राफ कर कि भाई पहले यहाँ पे कुछ टाइम इंटरवल तक, है ना, ये टाइम इंटरवल भी आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट 2 सेकंड में इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, 4 मीटर कर लिया, फिर उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन जो होता है ये फर्दर आपका 6 सेकंड तक हो जाता है आपका, और 6 सेकंड के बाद इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो सपोज आपकी 24 मीटर हो जाती है, और फिर उसके बाद फर्दर 1 सेकंड बाद और 7 है, ये 2 के बाद 7 आ गया, ये है ना कि 2 के बाद ये क्या आ गया, इसलिए आपका 7 आ गया, और फर्दर 8 सेकंड और के बाद अब इसका डिस्प्लेसमेंट 26 हो जाता है। Yes, हाँ, तो ये कर्व है एक्सटी कर्व, और जो एक्सटी कर्व जिसके लिए हमने बनाया हुआ है, इसमें बॉडी मूविंग स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अगेन कम्स टू रेस्ट। ये दिया हुआ है, वैसे देख के भी समझ में आ रहा है कि पहले भी वेलोसिटी इसकी जीरो थी, बाद में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में क्लैरिटी के लिए दे दिया गया है कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड अगेन कम्स टू रेस्ट आफ्टर द 8 सेकंड। तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम है, तो मुझे इसका प्लॉट करना है कि इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, है ना, कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मुझे दिया हुआ है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में। तो मुझे कोई शेप कंफर्म कर सकता है क्या कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का शेप कैसा हो जाएगा, कैसा होना चाहिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इस केस में, कोई ऑर्डरली बता दो मुझे। तो पैराबोला? नहीं, पैराबोला नहीं होगा बिल्कुल बेटा। अगर ये कर्व है ना, सिर्फ एक्सटी कर्व होता है, क्योंकि सारे जो है ना वो कॉन्स्टेंट एक्सलेशन के केस है, तो कॉन्स्टेंट एक्सलेशन में कभी भी एक्सटी कर्व अगर कर्व हो सकता है, बाकी सारे कर्व स्ट्रेट लाइन होंगे, या तो इंक्लाइन लाइन होंगे या ऑरिजेंटल लाइन होंगे। तो कैसे होना चाहिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ? वी शेप होगा। हाँ नहीं, मतलब पहले 2 सेकंड में क्या होगी वेलोसिटी, फर्स्ट 2 सेकंड में वेलोसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, फर्स्ट 2 सेकंड में भाई यहां तक वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। उसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और फिर कॉन्वेक्स आ गया तो डिक्रीज हो जाएगी। बस आपको इसी से करना है कि पहले 2 सेकंड में अगर मैं ये आइडिया लगा लूंगा कि 0 से 2 सेकंड में ये आपका स्माइलिंग कर्व है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज को मैं ऐसा बना लेता हूँ कि बढ़ रही है, फिर 2 से 7 सेकंड तक आप देखो इसका स्लोप कांस्टेंट है ना, स्ट्रेट लाइन है, जो भी एंगल होगा पूरा सेम ही रहेगा हर जगह पे। जब स्ट्रेट लाइन होगा तो 2 से 7 सेकंड तक वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, और फिर जब हम 7 से 8 में जाएंगे
तो आप देखो ये अब ये सेट करोगे तो मीन्स वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये डिसाइड करना होता है। तो पहले दो सेकंड में चूंकि ये जो स्माइलिंग कर्व था वेलोसिटी इंक्रीज होगी, फिर स्ट्रेट लाइन आ गया, स्ट्रेट लाइन का मतलब वेलोसिटी जो भी होगा स्लोप कॉन्स्टेंट होगा तो वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंट हो जाएगी, है ना। और बाद में अगर सेट करवागे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा, है ना, कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम में पहले जीरो से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टू सेकंड में यहां पहुंच गया, इसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई 7 सेकंड तक, और फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। ये आपका गया है कि पहले 2 सेकंड में इस तरह से आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व आ गया, है कि ये आपका 2 सेकंड आ गया, ये आपका 7 सेकंड आ गया, और ये आपका 8 सेकंड आ गया, ये पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी ये मैं निकाल भी सकता हूं, तो बता सकता है कि कांस्टेंट कितनी वेलोसिटी होगी इस केस में, ये जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट कितनी होगी मैं निकाल सकता हूँ। तो 4 हाँ 4 मीटर पर सेकंड होगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप क्या करोगे ना, ये थीटा है, वेलोसिटी एक्सटी का स्लोप ही तो वेलोसिटी होती है, एक्सटी का जब भी हम टेन थीटा लेंगे यही चीज वेलोसिटी होती है। तो अगर ये एंगल थीटा है, इसका अगर मैं वी निकालना चाहूँ तो वी इज इक्वल टू 10 थीटा हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर हम 10 थीटा लिखें तो परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा ना, तो आप देखो परपेंडिकुलर ये गैप है, ये गैप कितना हो जाएगा, 4 से 24 मीन्स ये आपका हो जाएगा 24 माइनस 4 बाय बेस, बेस आपका ये हो जाएगा, तो बेस आपका हो जाएगा 7 माइनस 2 मीन्स 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी की कॉन्स्टेंट वैल्यू जो होगी वो 4 मीटर पर सेकंड होगी। तो मतलब एक्सटी का 10 थीटा लेके वी आ गया, अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जब हम स्लोप लेंगे तो एक्सलेशन आ जाएगा, कि वीटी का अगर मैं 10 थीटा लूंगा कहीं भी तो उससे एक्सलेशन आ जाएगा। तो एक्सलेशन कैसा होना चाहिए ग्राफ, पहले इससे देख के एक्सलेशन का आइडिया लग रहा है क्या, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव कब जीरो, पहले पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव फिर नेगेटिव, बिल्कुल सही है, कि भाई 0 से 2 सेकंड के बीच में जो एक्सलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा कांस्टेंट, फिर स्लोप तो चेंज नहीं हो रहा है ना, फिर 2 से 7 सेकंड के बीच में वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, मींस एक्सलेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 7 से 8 के बीच में अभी देखो ये स्लोप क्या आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया मतलब एक्सलेशन की वैल्यू क्या होगा, इसलिए आपके निगेटिव। तो जब मैं एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसा हो जाएगा, एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव है इसलिए दोनों तरफ बनाना पड़ेगा मुझे ऐसे ग्राफ, ये आपका एक्सलेशन वर्सेस टाइम बनाएंगे तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो पहले 2 सेकंड तक एक्सलेशन पॉजिटिव होगा, तो पहले 2 सेकंड में एक्सलेशन आप पॉजिटिव बना लो इस तरह से, कि फर्स्ट 2 सेकंड में एक्सलेशन जो हो गया वो पॉजिटिव होगा, ये आपका, फिर एक्सलेशन 0 हो गया फिर आपका नेगेटिव हो जाएगा, है ना, कि फिर एक्सलेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आपके नेगेटिव हो जाएगी, है ना। यहाँ पे हम एक्चुअली डॉटेड बना लेंगे ऐसे, क्योंकि डिसकंटिन्यूस कर्व है ना, तो कंटिन्यूटी नहीं बनाएंगे, कि पहले 2 सेकंड में एक्सलेशन पॉजिटिव था फिर एक्सलेशन की वैल्यू 0 हो गई 2 से 7 तक, तो ग्राफ तो यहीं पर आ जाएगा ना ऐसे, और फिर उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इसको आप ऐसे फिल भी कर दो चाहो तो, कि पहले 2 सेकंड में पॉजिटिव फिर आपका नेगेटिव, और बीच में 2 से 7 सेकंड के बीच में एक्सलेशन की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, और एक्सलेशन कितना होगा हम निकाल भी सकते हैं, जैसे पॉजिटिव एक्सलेशन की क्या वैल्यू होगी, अगर मैं पॉजिटिव एक्सलेशन की वैल्यू आपसे पूछूं कितनी होगी तो क्या बता सकते हो, और निगेटिव एक्सलेशन कितना होगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस 4, बिल्कुल सही, क्योंकि आप देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस से 2 आ गया ना, 4/2 ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस लेंगे तो 4/1 आ जाएगा ना, लेकिन ये चूंकि नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव लिख देंगे यहाँ पे, ये -4 आ गया। देखो सारी चीजों का आइडिया निकल गया मुझे, कि इस तरह से जब कर्व बना था बस मुझे ये पता होना चाहिए था कि ये कॉन्स्टेंट एक्सलेशन का केस है, क्योंकि हम कॉन्स्टेंट ही पढ़ रहे हैं, तो और बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुई घूम फिर के फिर से रेस्ट पे आ गए, तो हमने इससे इसमें कन्वर्ट कर दिया, इससे इसमें कन्वर्ट कर दिया।
तो इस तरह से इसको एनालिसिस करने को आना चाहिए कि किस तरह से हम इसको प्लॉट करते हैं। हाँ, तो ये आपका एग्जांपल नंबर इलस्ट्रेशन नंबर वन, एग्जांपल वन। ठीक है, ये आपका क्या, तो इस तरह से हम करते हैं ग्राफ। तो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, उसको थोड़ा सा आप कन्वर्ट करने का ट्राई करो, है ना, कि कन्वर्ट करके फिर आप, मैं जो आप मतलब उससे सेंसर तो सेंड नहीं कर सकते आप, उसमें आप कन्वर्ट करके ट्राई करो, वो भी एक एग्जांपल टू बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजों को समझने के लिए, है ना, कि सारी चीजों को समझने के लिए ना वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ सेकेंड आपका, इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, है ना। मैंने यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व आपको दे देता हूँ, आई विल गिव वन वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, जैसे एक्स टी दिया था, अब एक्स टी के बजाय वी टी दे दिया मैंने आपको, वे किसी सिचुएशन की वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व है ऐसी, यस सर, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है, वेलोसिटी मैं लिख रहा हूँ और ये आपका टाइम है ना, और ये कर्व आपको इस तरह से दिया हुआ है कि पहले वेलोसिटी बढ़ती है, फिर उसके बाद डिक्रीज होती है, फिर नेगेटिव होती है, फिर से इंक्रीज होती है, यस, ये कर्व कि पहले वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, नेगेटिव हुई, फिर से पॉजिटिव हो गई, है ना, और ये वैल्यूज कितनी हो रही है ये भी आपको दिया हुआ है सारा कुछ, कि कहाँ कहाँ कितना कितना वेलोसिटी है। तो पहले वेलोसिटी आपकी जीरो थी, है ना, वेलोसिटी जीरो से 10 मीटर पर सेकंड हो गई, और इसको जो टाइम लगता है वो 2 सेकंड लगता है, फिर 4 सेकंड के बाद फिर से जीरो हो गई, और फिर ये -10 हो गई, -10 के मतलब डायरेक्शन उसने रिवर्स कर ली, और फिर से जीरो हो गई, और फिर से +10 हो गई, ये आपका 4 सेकंड हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 सेकंड हो गया, और फिर से ये वेलोसिटी सेम ही है, 10 ही हो गई, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, है ना। इस ग्राफ को आपको कन्वर्ट करना है सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, या पहले एक्सलेशन वर्सेस टाइम प्लॉट करना, फिर मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा इसको, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है डिस्प्लेसमेंट एक्सलेशन वर्सेस टाइम, कि अगर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो इसका एक्सलेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, फिर आपको इसका प्लॉट करना है इस केस में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, इसी क्वेश्चन से सब कुछ सीख जाएंगे हम। मैं वर्ड लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। तो ये तीन ग्राफ पहले बनाने हैं, बाद में फिर बाकी ग्राफ और बात करते हैं, अभी और भी ग्राफ है, उसके अलावा और भी चीजें हम डिस्कस करते हैं।
थोड़ा सा एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का मुझे आइडिया दो कैसा होना चाहिए। सर फर्स्ट टू सेकंड के लिए पॉजिटिव, फिर उसके बाद सर नेगेटिव। नेगेटिव कहां तक? फर्स्ट से फोर सेकंड तक। सिक्स सेकंड तक नेगेटिव, बिल्कुल। फिर उसके बाद टेन तक फिर पॉजिटिव। हाँ, सिक्स से टेन तक फिर भी पॉजिटिव, बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई। पहले दो सेकंड में इसलिए एक्सलेशन पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे आपका इसका स्लोप पॉजिटिव है। फिर ये पूरा नेगेटिव स्लोप आ गया ना, पूरा ये सारा स्लोप नेगेटिव होता है। पूरे सिक्स सेकंड तक नेगेटिव स्लोप आ गया, फिर से ये नेगेटिव आ गया और यहाँ फिर से ये पॉजिटिव हो गया, है ना? कि पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव था, बीच में नेगेटिव आ गया। जब दूसरी तरफ एंगल हम बनाते हैं ना तो वो नेगेटिव स्लोप होता है। तो बस इसका ग्राफ बनाना क्या मुश्किल है, अगर ये चीज पता चल गई फिर तो आपको पता है पहले दो सेकंड में एक्सलेशन पॉजिटिव हो गया, कुछ वैल्यू होगी। फिर ये ग्राफ जो हो गया नीचे शिफ्ट हो गया क्योंकि नेगेटिव हो गया छः सेकंड तक, फिर से ऊपर शिफ्ट हो गया अप टू टेन सेकंड तक, है ना? तो इसका जो ग्राफ होगा एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा वो आपका ऐसा होगा, लाइक दैट, है ना? और एक्सलेशन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं 10/2 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे आपका -5 आ जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि पहले पॉजिटिव एक्सलेशन, फिर नेगेटिव -5 हो गया, फिर से पॉजिटिव हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस तो हर जगह पे 10/2 ही है ना, हर जगह पे 10/2 ही, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, चेंज हो रहा है लेकिन स्लोप तो हर जगह पे सेम ही है। तो एक्सलेशन आप तो आपने प्लॉट कर लिया बहुत ईजिली। इसका मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा इसका आइडिया दो जरा मुझे। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि आपको पता है जब एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो वेलोसिटी टाइम का एंड इंक्लाइन लाइन होती है, और जब ये इंक्लाइन लाइन होगी तो एक कर्व होगा, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम होगा कुछ कर्व शेप का बनेगा। सर फर्स्ट टू सेकंड के लिए इंक्रीजिंग होगा। हाँ ठीक है, स्माइलिंग फर्स्ट टू सेकंड के लिए स्माइलिंग कर्व हो जाएगा। फिर सर टू से फोर के लिए सर वो सैड कर्व। हाँ ठीक है सर, फिर फोर से सिक्स के लिए स्माइलिंग कर्व। नहीं नहीं, फिर भी सैड होगा, क्यों स्माइलिंग होगा? जब भी एक्सलेशन पॉजिटिव होता है, आप समझो, जब एक्सलेशन पॉजिटिव होता है ना तो स्माइलिंग कर्व बनता है, और जब एक्सलेशन नेगेटिव होगा तो सैड कर्व बनेगा, फिर जब एक्सलेशन पॉजिटिव होगा तो फिर से स्माइलिंग बन जाएगा, है ना? वो तो पॉजिटिव नेगेटिव एक्सलेशन से स्माइलिंग सैड चेंज होता है। देखो पहले तो जो हम कन्वर्ट करेंगे ना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो ऐसे हम नहीं कर सकते, पहले तो निकालना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे कितना होगा। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। मैं एरिया लेने की कोशिश करता हूँ, पहले मैंने ले लिया पहले ट्राइंगल का एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब दो सेकेंड के बाद पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 10 मीटर पे हो जाए, पहला पॉइंट आ गया। मैंने जस्ट इसका ट्राइंगल का एरिया ले लिया है, ट्राइंगल का एरिया आपका होता है हाफ बेस 2 हो गया, हाइट 10 था, तो 2 कैंसिल 10 मीटर आ गया, पहले दो सेकंड में 10 मीटर पर पहुंच गया। ये भी आपका 10 मीटर ही होगा, इसका भी एरिया, तो उसमें 10 और ऐड हो गया, है ना? तो मतलब ये 10 और ऐड हो गया तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अब 20 हो गया। लेकिन आप देखो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव हो जाएगा, मतलब आप डिस्प्लेसमेंट उल्टा होने लगेगा,
ये वाला एरिया ऊपर वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट था, नीचे जब लेंगे तो नेगेटिव एरिया होगा मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब ये भी 10 हो जाएगा। आप देखो 20 पे वो पहुंच चुका था लेकिन अब माइनस 10 हो जाएगा। मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अगर लिखूंगा तो ऐसे तो लिखूंगा कि पहले 2 सेकंड में इसने 10 मीटर डिस्प्लेस हुआ, फिर अगले 2 सेकंड में और 10 मीटर हो गया, लेकिन जो थर्ड ये 4 से 6 के बीच में माइनस 10 हो गया, मतलब जाके वापस आ गया ऐसे कि पहले 2 सेकंड में इधर गया होगा, फिर और आगे गया होगा और 4 सेकंड बाद इसने टर्न लेके वापस आ रहा होगा, तो अब डिस्प्लेसमेंट फिर से आपका 10 हो गया 6 सेकंड के बाद, है ना, फिर से हम 10 पे पहुंच गए ऐसे। और फिर आपको पता है कि फिर माइनस 10 एक और आ गया, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, मतलब पार्टिकल जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं वापस आ गया। मोशन ऐसे तो हो रहा है इसमें कि भाई पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब उल्टा हो गया होगा ना ये, और जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे वापस आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट 8 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को तो ज्वाइन करेंगे हम कर्व बनाने के लिए, क्योंकि कुछ पॉइंट को ज्वाइन करके ही तो कर्व बनाएंगे हम। उसके बाद फिर से ये डिस्प्लेस हो गया, ये भी फिर से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो प्लस 10 फिर से हो गया, तो प्लस 10 अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फिर से वो बाकी तो 0 ही हो चुका था, फिर से इधर घूम के फिर से 10 पे पहुंच गया। ये इसका ऐसा मोशन हो रहा होगा स्ट्रेट लाइन के लिए, है ना। तो हम उसकी बात है कि ये जो होगा ये फिर से आपका यहाँ पे पहुंच गया, तो कुछ पॉइंट्स आ गए, अब इसको ज्वाइन नहीं कि तो आपको करना है ना कि इस पॉइंट्स को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। उस ज्वाइन करने के लिए सीधे एक्सलेशन पे आ जाओ, अगर एक्सलेशन पॉजिटिव है तो मतलब स्माइलिंग कर्व होगा, ऐसा बना लो। एक्सलेशन जहां तक निगेटिव है सैड कर्व होगा, ऐसा बन गया। फिर एक्सलेशन पॉजिटिव हो गया फिर से स्माइलिंग कर्व, ये इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये कंटिन्यूस कर्व होगा और ये क्या हो जाएगा सकती है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं भाई। इसका जो वेलोसिटी टाइम का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है और इसका जो स्लोप होता है वो एक्सलेशन, बस इससे सॉल्व करते हैं ना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो थोड़ा सा समझना ध्यान से। अब इसी में मैं इसलिए बोल रहा था दो दो ग्राफ अभी और हैं, फर्स्ट ग्राफ आ गया डिस्प्लेसमेंट टाइम, दूसरा वेलोसिटी टाइम, तीसरा आपका एक्सलेशन टाइम। अब मैं एक ग्राफ अगर आपसे और पूछूं तो इसमें थोड़ी सी मेरी आप हेल्प करो कि अगर मैं आपसे पूछूं इस ग्राफ में कि मुझे आप इसमें स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बताओ कैसा होगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम तो आपने बता दिया, अब इस ग्राफ में स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, बस जो ट्रायंगल नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो सही बोला कि जो ट्रायंगल स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी ना, कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इन्होंने सही बोला कि जो ट्रायंगल नीचे आपने बनाया इसी को आप ऊपर कर दोगे तो ये स्पीड वर्सेस टाइम आ जाएगा, तो स्पीड वाला ग्राफ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, डायरेक्शन ही तो चेंज हुई है, डायरेक्शन चेंज को स्पीड से क्या मतलब है भाई, वो नेगेटिव हम इसलिए बना रहे हैं कि वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा इस केस में, है ना, ये स्पीड वर्सेस टाइम जो ट्रायंगल आपने नीचे बनाया था डायरेक्शन चेंज की वजह से उसको ऊपर ही बना देंगे, तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया। इसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, इसमें कुछ हेल्प कर सकता है क्या मेरी आप, व्हाट इज द डिस्टेंस वर्सेस टाइम, वो डिस्प्लेसमेंट था, अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं डिस्टेंस, आप एक बार पॉइंट मार्क कर दो अल्फाबेट से तो बताने में इजी होगा। हाँ पॉइंट तो ये है ही आपका, ये डिस्टेंस टाइम ये सारे पॉइंट्स हैं इसमें,
तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम 4 to 6 वाला ऊपर हो जाएगा। हाँ क्योंकि डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होता ना कभी भी, यहाँ पे सिंबल से डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑलवेज इंक्रीजेस है ना, क्योंकि 10 इधर गया 10 इधर गया फिर 10 वापस आया तो यहाँ पे माइनस साइन ही आएगा ना, ये सब ऐड होते जाएंगे तो डिस्टेंस में 10 + 10 + 10 इस तरह से होता जाएगा, ऐड ही होते जाएंगे सारी चीजें। टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया होगा वो आपका 50 किया होगा, ये ग्राफ जो होगा वो नीचे कभी नहीं जाएगा, इसी तरफ ऊपर जाता जाएगा है? तो उसको अप्रॉक्सीमेटली आप ऐसे ही बना लो, इस तरह से आपका ग्राफ होगा, मतलब जो चीज नीचे गया ना उसी को ऊपर कर दोगे, ये आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है ना। तो ये 5 ग्राफ हमेशा आपसे पूछे जाते हैं और सब टाइम के साथ है। कई बार मैंने बोला कि ग्राफ जो हो सकता है वो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, लेकिन ये मैं टाइम के साथ बता रहा हूँ सर ये ग्राफ आगे तो डिस्टेंस कभी भी जो होगा वो कम नहीं होता है, वो तो हमेशा प्लस ही होता जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ग्राफिकली इस तरह से एनालिसिस करना था, ये एग्जाम्पल 2 आ गया जो मुझे बताना था, दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है यहाँ पर एग्जाम्पल 2 हो गया। अब एक और क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल 3 भी मुझे ही बताना है, उसके बाद फिर आप सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल जो होंगे आपको खुद क्या करने पड़ेंगे, अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। एक और न्यूमेरिकल में देता हूँ, वो केस ये होता है फ्री फॉल वाला ग्राफ, आपको फ्री फॉल वाला ग्राफ का थोड़ा सा आइडिया लेना है कि फ्री फॉल जब बॉडी करती है तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, है ना। सिचुएशन ये है ना कि आपको जो ग्राफ प्लॉट करना है वो ऐसा प्लॉट करना है, आपने है ना कि यहां पे इस तरह से ग्राउंड में कोई ऑब्जेक्ट था है ना, और ग्राउंड से आपने इसको यू से प्रोजेक्ट किया तो आपको पता है कि ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, और फ्री फॉल के केस में मैक्सिमम हाइट से वापस आ जाएगा सेम पोजीशन पे, जब आएगा कहीं कोई एयर रेजिस्टेंस तो था नहीं तो सेम स्पीड से स्ट्राइक करेगा, है ना। इसके बारे में आपने सब कुछ डिस्कस किया होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, कितना टाइम ऑफ एसेंट होगा, एवरीथिंग यू नो, है ना, किसी एच हाइट तक ही जाता है। तो इसका भी मुझे बताना है कि सबसे पहले तो इसका मुझे प्लॉट करना है कि जो सिचुएशन है इस सिचुएशन का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा सबसे पहले, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से ही हम स्टार्ट करते हैं, उसी से फिर बाकी में कन्वर्ट करते हैं कि सबसे पहले आपको बनाना है यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। दिस इज द फ्री फॉल केस है, एग्जांपल 3 में हम ले रहे हैं फ्री फॉल प्रोजेक्टेड अपवर्ड, तो कैसा होना चाहिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इसका, कोई मुझे सजेस्ट कर सकता है क्या? नहीं मतलब कैसे यहाँ पे ग्राफ आना चाहिए, पहले तो स्टार्ट होगा फिर कैसा ग्राफ होगा आपका ये? सर पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और वो कांस्टेंटली डिक्रीज करेगा, हाँ जीरो भी होगा, एक्स एक्सिस पे आके जीरो हो जाएगा और फिर वापस वो नीचे जाएगा सर, नीचे जाएगा मतलब लॉस्ट नेगेटिव हो जाएगी। यस सर, सर सॉरी सर वी सेफ नहीं होगा, हाँ है ना, इसमें ऐसा हो जाएगा कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे ना तो कुछ ही याद रखेंगे, फ्री फॉल जो होता है ना ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही तो होता है, फ्री फॉल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही तो होता है, तो इसमें जी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है ना, ये भी जो ग्राफ होगा ये किसका ग्राफ हो जाएगा, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का। तो पहले वेलोसिटी ऊपर की तरफ से कुछ पॉजिटिव यू से स्टार्ट होगा और उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज होगी ना, वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब ये ग्राफ आपका ऐसा होगा, ये ऐसा एक टाइम के बाद वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे, फिर नेगेटिव हो जाएगी उल्टा आ जाएगा और यू से माइनस यू तक हो जाएगा ये ग्राफ, है ना, कि यू से कहां तक हो जाएगा, इसलिए आपके माइनस यू तक,
आपका गैस कि भाई ये वेलोसिटी जीरो हो गई और यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू आपकी माइनस की हो, है ना। ये आपने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट किया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, कि जो ग्राफ है ये आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, क्योंकि स्पीड टाइम भी करेंगे ना बाद में, मैं वेलोसिटी लिख रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आ गया, तो कोई मुझे बता सकता है एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा इसका, इसका एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए? माइनस में रहेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस में रहेगा, क्योंकि माइनस जी तो लगता है, कोई भी फ्री फॉल है उसमें, यही तो आपने पढ़ा था कि फ्री फॉल के केस में हमेशा जो एक्सलेशन होगा वो माइनस जी होगा, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। वैसे भी देखो जो ये स्लोप है नेगेटिव ही तो है हमेशा, तो स्लोप अगर नेगेटिव है मतलब एक्सलेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये आपका माइनस में रहेगा और कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन रहेगा, ये इस तरह से आपका, और इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस जी हो जाएगी। वैल्यू आपको होता है कि जी तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, है ना। तो ये आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया, एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया। इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सर ओरिजिन से स्टार्ट होगा और सर सैड कर्व होगा। हाँ, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, फिर से जीरो हो जाएगा और सैड कर्व होगा। बिल्कुल सही बोला इन्होंने, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। इसका जो कर्व होगा ना, यही सबसे मेन चीज होती है, बाकी तो स्टूडेंट बता लेते हैं, है ना। तो सैड और हैप्पी याद रखना आपने, ये मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, टाइम ग्राफ। अब देखो पहले तो जीरो पे था तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और वापस फिर से जीरो पे आ गया, मतलब इस टाइम के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट फिर से जीरो हो गया और बीच में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा कहीं पे। तो तीन पॉइंट आपके ये हो गए ना, एक स्टार्टिंग जीरो, एक लास्ट में फिर से जाके जीरो, बीच में मैक्सिमम हाइट पे भी जहाँ पे जीरो होगी वहां पहुंचा होगा। अब इसको ज्वाइन करेंगे तो एक्सेशन तो हमेशा निगेटिव है, मतलब कर्व जो होगा वो सैड हो जाएगा, आपका सैड कर्व हो गया, है ना। ये क्या हो गया, इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आ गया। तो जब किसी भी चीज को प्रोजेक्टेड अपवर्ड लेते हैं तो उसके ये तीनों ग्राफ आपके ऐसे होते हैं, प्रोजेक्टेड अपवर्ड, है ना। तो ये ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा। इसी में अगर आपसे कोई पूछता है कि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो आप क्या करते हैं स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में, है ना, कि अगर आपसे किसी ने पूछा होता कि व्हाट इज द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ऊपर आ जाती है, स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती ना, तो ग्राफ आपका ऐसा हो जाता है, तो इसको हम निगेटिव ले लेते हैं। किसी ने अगर आपसे पूछा होता कि इस केस में डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होता है, तो डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ भी बना सकते थे, तो जो नीचे आया है वो नीचे नहीं आता। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक आप सेट कर वैसा बनाते और उसके बाद इसी को उल्टा करके यहाँ पे लगाए, आपका ऐसा होगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम। वही जो चीज नीचे आई है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, डिस्टेंस तो हमसे बढ़ती है ना, तो इसी की मिरर इमेज वहां पे फिट, उस तरह से आपका आंसर होगा। ये पांचों ग्राफ आ गए फ्री फॉल के केस में प्रोजेक्टेड अप, यहाँ का आंसर होगा। फिर थोड़ा सा केयरफुली करना है, तो ये ग्राफ हमने कन्वर्जन सीखा, न्यूमेरिकल भी ग्राफिकली हम सॉल्व करते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल को हम ग्राफिकली सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू सिंपल किसी और मेथड से।
ठीक है, ये आपने कर लिया। अब मैं न्यूमेरिकल शेयर करूंगा आपसे, तो आप वन बाय वन करके उस न्यूमेरिकल का अब आंसर दोगे। मैंने काफी कुछ बता दिया आपको, थ्री इलस्ट्रेशन दे दिए जो कि इसके सबसे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है ना, इसी से सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं, है ना कि भाई एक आपका ये वाला हो गया पहला क्वेश्चन, इसी के रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए, दूसरा ये आ गया, और तीसरा फ्री फॉल के केस का ग्राफ कैसा है। तो अब मैं शेयर फ्री न्यूमेरिकल्स विथ यू, ट्राई करके वन बाय वन आंसर दो आपस में। Okay, you can go for this question. ओके, कुछ आंसर आए आपके देख लेते हैं।
हाँ सही है, प्रेम कुमार योर आंसर इज करेक्ट, दिवस्मिता एंड खुशी कुमारी योर आंसर इज करेक्ट, एकदम आसान क्वेश्चन है। नव्या योर आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, बिल्कुल सही है ना, सही बोला आपने, है ना कि भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो टेन थीटा होता है वही तो वेलोसिटी होती है, है ना, कि भाई दो पार्टिकल है 30 डिग्री वाले की वेलोसिटी 10 30 डिग्री हो जाएगी, कि जो ये वाला होगा इसकी वेलोसिटी जो होगी वी वन वो आपकी 10 30 डिग्री हो जाएगी, 10 30 डिग्री मतलब रूट थ्री मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, सॉरी 1/√3 मीटर/s हो जाएगा, और जो दूसरा होगा उसका 45 डिग्री एंगल है तो वी टू की वैल्यू 10 45 डिग्री हो जाएगी, ये वन हो जाएगा, तो वी वन बाई वी टू की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1/√3 आ जाएगी। वो तो मैंने टफ टफ चीजें बता दी हैं, अदरवाइज तो आसान चीज ही आती है, तो डी ऑप्शन आ गया, डी वाला डेली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, क्या ओके कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, हाँ नव्या एंड देवश्मिता योर आंसर इज करेक्ट, इसमें इतना क्या सोचना है, तो ये बहुत इंसान सा चीज है, तो कि भाई इस केस में स्माइलिंग कर्व है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, इस केस में सैड कर्व है तो वेलोसिटी कम हो रही है ना, तो इसमें इतना सोचने वाली तो कोई बात नहीं, खुशी कुमारी सही है, तो पार्टिकल ए इज यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड हो जाएगा और ये यूनिफॉर्मली रिटार्ड हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना कि भाई इसी ऑप्शन से होगा, कैन इसने बोला है ना इसने, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड होंगे आपको पता नहीं होता ना, है ना, तो इसलिए इसने कैन वर्ड यूज किया, कि इस तरह से कर्व आता है तो नॉन इन्फॉर्म एक्सलेशन का भी एक्सटी ग्राफ कर्व ही होता है, लेकिन नॉन इन्फॉर्म की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसने कैन वर्ड यूज किया हुआ है, कैसा हो सकता है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सलेटेड रिटार्डेशन, जस्ट आपने इस तरह से कर लिया इसने, तो जस्ट छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये।
okay, I have got the few answers. Navya, Devashmita and Khushi Kumari, your answers are correct. बिल्कुल सही आपने बोला है. क्यों इसका लॉजिक क्या है? Sir, because the body cannot have more than one velocity in the same instant. Of time. And so किसी किसी में time भी decrease हो रहा है. हाँ वो भी सही, टाइम डिक्रीज भी हो रहा है. ये आप ऐसे देख लो कि टाइम अगर तुम कोई ले लें ऐसे तो एक ही टाइम पे तीन तीन वेलोसिटीज की है, तो सेम टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी कैसे हो सकती है ना. इसमें भी ऐसे कोई भी एक टाइम इंस्टेंट ले लेंगे है ना, तो तीन वेलोसिटी है. इसमें भी ऐसे ही कि सेम टाइम पे इस तरह से दो वेलोसिटी है. इसमें सही है, एक तो टाइम बढ़ ही रहा है कर्व में हमेशा, वो डिक्रीज वाला भी आपका कैंसर सही है. और लेकिन किसी भी टाइम में हम देखेंगे तो एक ही वेलोसिटी होनी चाहिए. बिल्कुल सही बोला मैंने, कहीं सेम टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी नहीं हो सकती है ना. एकदम सही आंसर है, ये भी कई बार हम जानते हैं थोड़ा सा कि कौन सा रियलिस्टिक कर्व नहीं होगा. और भी तो क्वेश्चन थे, बाकी कहाँ चले गए. हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए सर. इस क्वेश्चन का आंसर आपको फॉर्मूला लिस्ट में लिख लेना होता है, जो आपकी फॉर्मूला लिस्ट होती है ना उसमें इसका आंसर लिख लेना बाद में. ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक्चुअली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसको बाद में एज ए फॉर्मूला आप ट्रीट करना. देखो कार एक्सलेट फ्रॉम द रेस्ट दिया हुआ इसने विथ कॉन्स्टेंट रेट अल्फा, अल्फा एक्सलेशन है, फिर कुछ टाइम बाद ये डीएक्सलेट होता है कॉन्स्टेंट रेट बीटा पे और रेस्ट पे आता है. टोटल टाइम इंस्टेंट अगर टी है तो इसने पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. मतलब सिचुएशन ये है कि यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पे कोई भी कार थी, इसमें कोई एक्सलेशन ए लगा अल्फा लगा और ये वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी इसकी, कार की वेलोसिटी बढ़ती गई और ये यहाँ पे पहुंचा किसी तो इसकी वेलोसिटी कम हो गई, उसके बाद इसमें रिटार्डेशन लगने लगा और अगेन धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज होके फिर से ये रेस्ट पे आ गई. मतलब टी टाइम के बाद भी फिर से रेस्ट पे आ गई, मतलब रेस्ट से ये रेस्ट का केस. तो ये पूछ रहा है कि भाई इस पूरे प्रोसेस में मैक्सिमम वेलोसिटी कितना गेन करेगा. भाई मैक्सिमम वेलोसिटी उसी टाइम होगी ना जब रिटार्डेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद तो स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी और टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाएगा. तो मैं इस सिचुएशन का ना ग्राफ बना लूंगा. वैसे बाकी मेथड से भी आप कर सकते हो इक्वेशन यूज करके, फिर मैं इक्वेशन नहीं यूज करता हूँ बल्कि मैं यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ इसका, कि मैं सिचुएशन का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना लूंगा और उससे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. कई क्वेश्चन हम इस तरह से ग्राफिकली सॉल्व करते हैं. तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया, तो इसका जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होगा वो जस्ट आप कैसा हो जाएगा, पहले एक्सलेट हुआ है ना और फिर जब मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई तो ये रिटार्ड हो गया है ना, कि मैक्सिमम वेलोसिटी जब इसने अटेंड कर दिया उसके बाद ये क्या हो गया, जैसे कि आपका इस तरह से रिटार्ड हो गया और जो मैक्सिमम वेलोसिटी ये गेन करेगा वो भी मैक्सिमम है और टोटल टाइम इसको टी लगा. ये बस है, अब इससे हमको सॉल्व करना है कि वी एम कितना होगा. तो आप ध्यान दो ना कि अगर मैं ऐसा ले लूँ कि टी वन टाइम तक ये रिटार्ड हुआ एक्सलेट हुआ और फिर ये T2 टाइम तक रिटार्ड हो गया है ना, तो जो टोटल टाइम होगा T इसकी वैल्यू T1 प्लस T2 हो जाएगी है ना. और T1 जो होगा आप थोड़ा ध्यान रखना कि इसका स्लोप ही तो एक्सटेंशन होता है ना, तो अगर मैं कोई भी एंगल ले लूँ तो जो Vm by T1 होगा यही तो अल्फा होगा. अब समझ गए कि भाई परपेंडिकुलर Vm है, बेस T1 है तो स्लोप ही तो इसका एक्सलेशन होता है, तो Vm by T1 क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा और ऐसी जो Vm by T2 होगा ये आपका बीटा हो जाएगा. तो यहाँ से T1 T2 की वैल्यू आ जाएगी ना, T1 की वैल्यू आप लिख लोगे यहाँ पे Vm by अल्फा और T2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो Vm by बीटा हो जाएगी. बस इससे Vm की वैल्यू आ गई कॉमन निकल के. Vm अगर हम देखे हैं तो ये आपका अल्फा बीटा T by अल्फा प्लस बीटा होगा. तो इसको कई बार स्टूडेंट एज ए फॉर्मूला भी ट्रीट करते हैं कि कोई भी चीज अल्फा से एक्सलेट हुई फिर बीटा से स्टार्ट हो गई फिर से अगर रेस्ट पे आ गई तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी ये होगी.
अल्फा प्लस बीटा प्लस टी, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया। ग्राफ बना के मैंने इसको बिना कोई क्वेश्चन वगैरह यूज नहीं किया, मैंने ग्राफ से सॉल्व कर लिया। आप इक्वेशन से भी कर सकते हो, तो वी मैक्सिमम की वैल्यू अल्फा टी टी अल्फा बीटा टी बाई अल्फा प्लस बीटा होगा। ये फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं भाई, इसके एरिया ही तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब एरिया हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस तो इसका टी है, हाइट वी मैक्सिमम है। वी मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस केस में उसकी वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, अल्फा बीटा टी स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो दोनों फॉर्मूला आप याद रखना, इस तरह के केस में वी मैक्सिमम इतना होता है और जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है वो इतना होता है। जस्ट आपने स्लोप और एरिया से निकाल लिया भाई, यहाँ पे आपने स्लोप यूज किया, यहाँ पे एरिया यूज कर लिया है कि स्लोप एंड एरिया से आपने क्या कर लिया, बेसिकली आपने इसको कैलकुलेट कर लिया है कि स्लोप एंड एरिया से आपने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। ओहो, क्वेश्चन कहाँ चला गया ये, हाँ ये क्वेश्चन था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो क्योंकि ग्राफिकली आपने सॉल्व कर लिया, आप चाहो तो इक्वेशन से कर लो बात एक नहीं। तो दोनों को रिजल्ट को ना, जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ आपसे कि जब मैं बोलता हूँ ना कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो उसको एज ए फॉर्मूला लिस्ट में आपने डाल लेना, उसको सीधे यूज करना एग्जाम में, ऐसी आपकी लिस्ट तैयार होती जाएगी, तो काफी फॉर्मूले टाइप की चीजें आ जाएंगी आपके पास, तो टाइम थोड़ा सा कम लगेगा आपको सॉल्व करने में। ठीक है, सकते हैं ऐसे, चलो ये आपका ऐसे। ठीक है, क्या कर ये मत करो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
15 to 20 में जो डिस्प्लेसमेंट वो 20 फुट अच हो रहा है या 10 है? 15 से नहीं, वो 20 जा रहा है, 20 को, 20 को. ओके सर, 20 को टच कर रहा है, ये टच कर रहा होगा 20 को कर रहा होगा, है ना, ये 0 यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा गलत दे रखा है इसने, बाकी मैं एक बार क्वेश्चन में देखना पड़ेगा मुझे, वैसे यही होगा. हाँ बेटा सही होगा, सबके आंसर्स जो आपने आंसर दिया हुआ है ना सही दिया हुआ आपने. नव्या, दिवश्मिता, खुशी कुमारी, आपके आंसर सही है. तो मैंने आंसर नहीं भेजा. आपने नहीं भेजा, फिर पहले का देख रहा हूँ लगता कोई एक्चुअली इससे मैच ही कर रहा है आपका. अच्छा पहले का भी आंसर सेम ही है एक्चुअली, एक बार फिर से भेज दो क्योंकि चैट में ना मिक्स हो गए हैं सारे क्वेश्चंस, तो जिसने भेजा भी है फिर से दोबारा एक बार भेज दो आंसर. हाँ सही है दिवश्मिता आपका आंसर, खुशी कुमारी सही है आपका आंसर.
ओके चेक करता हूं मैं, है ना, कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ नवे आपका आंसर अब सही है, ठीक बोला आपने। इसने ये बोला हुआ है इसने कि एवरेज स्पीड कितना होता है, पहले तो आप लिखो एवरेज स्पीड होती क्या है, व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। एवरेज स्पीड क्या होती है, इसलिए आपकी डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उससे जो टाइम होता है वही क्या होती है, इसलिए आपकी एवरेज स्पीड होती है, है ना। तो डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, पहले ये जीरो से कहां पहुंचा, बेसिकली आपका 40 पे, 40 ऐड हो गया, फिर ये 40 पे खड़ा रहा कुछ देर, चेंज नहीं हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, है ना। फिर क्या हुआ इसने कि 40 से वापस जीरो पे आ गया, लेकिन आपको तो ऐड ही करना है ना, प्लस 40 ही होगा। फिर ये जीरो से फिर से प्लस 20 पे चला गया, फिर 20 से फिर से जीरो पे आ गया, तो प्लस 20 पे आ गया, तो डिस्टेंस ये हो गया ना आपको, है ना। इसमें कोई स्लेप एरिया कंसेप्ट नहीं है कि जीरो से 40 पे पहुंचा, फिर कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर 40 से फिर से जीरो पे पहुंच गया, तो 40 लेंगे डिस्प्लेसमेंट में, फिर वो निगेटिव हो जाता, लेकिन डिस्टेंस में तो सब ऐड ही होंगे, तो 80 प्लस 40 आपका 120 हो जाएगा। और इसमें टाइम टोटल कितना लग गया, बेसिकली आपका 20 मिनट्स, ये आपका 6 मीटर पर मिनट आ गया, इस करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ग्राफ को आपने इंटरप्रेट कर लिया, 6 मीटर पर मिनट इसका आपका आंसर। ये सब तो आपको पता ही होगा, हाँ इसको कर लो आप, ये वाला क्वेश्चन, जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन।
हाँ खुशी कुमारी, प्रेम कुमार, नवे आपका आंसर सही है ना। 55 इज द करेक्ट आंसर, 55 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, है ना। कुछ नहीं, जब तक देखो एक्सलेशन पॉजिटिव होगा वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी, जब तक एक्सलेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी वेलोसिटी विल इंक्रीज या स्पीड विल इंक्रीज, दोनों में से कुछ भी ले लो, स्पीड विल इंक्रीज, है ना। जब नेगेटिव होती है तो फिर डिक्रीज होती, लेकिन जब तक एक्सलेशन पॉजिटिव है तो मतलब जीरो से लेकर 11 सेकंड तक वेलोसिटी इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होती रहेगी, मतलब वेलोसिटी जो मैक्सिमम होगी वो एट 11 सेकंड पे होगी। और आपको पता है एटी कर्व है ना, तो एरिया अंडर एटी कर्व, है ना, कि एटी कर्व का जो एरिया होता है ना, एरिया अंडर द एटी कर्व जो होता है इज एरिया अंडर एटी कर्व, एक्सलेशन टाइम कर्व इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी नहीं होता है, एरिया अंडर द एटी कर्व जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो पहले मैं डेल्टा वी होता है वो, तो डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू टेन, तो यहाँ पे 55 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब मैं कह से पार्टिकल जो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, तो मतलब v माइनस यू इक्वल टू 55 है, तो u अगर जीरो है तो v की वैल्यू 55 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, 55 मीटर पर सेकेंड हो गए, इसके एरिया ही चेंज इन वेलोसिटी होता है। और जब तक एक्सेशन पॉजिटिव होगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ना, तो 11 सेकंड पे ही वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, तो इस एरिया से हम निकाल सकते हैं इसे, तो एरिया वगैरह से हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 55 मीटर पर सेकेंड सही आंसर दिया, एकदम आसान चीज होती है ग्राफ, कोई उसमें मुश्किल थोड़ी है, एरिया निकालना है, स्लोप निकालना है, और कुछ तो होता ही नहीं है। ये तो वही क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा था आपसे। ये कर लिया आपने, ये सारा कर ही चुके हो, हाँ ये सारा तो हो ही गया आपका ना। हाँ चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, ये सारा सिचुएशन आप कर चुके हो सर, बाद में एक आध क्वेश्चन मैं टाइम के अलावा दूसरा भी करवा दूंगा, पहले इसको सॉल्व कर लो। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये थर्ड का बी पार्ट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो प्लॉट करे लोगे, इसके आंसर मुझे बताने आपको। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ तो इसका ही जाएगा। वैसे ग्राफ के बजाय बिना ग्राफ के चलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वेलोसिटी तो ऐसी आ जाएगी बिना ग्राफ के। डिस्टेंस निकाल लेना ग्राफ से आप। ये क्वेश्चन देखना जरूर आप, है ना, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर से देख लेना आप, है ना, मैं अभी बताऊंगा आपको। मतलब ग्राफ और इक्वेशन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ में कई बार मुश्किल होती है तो कॉम्बिनेशन यूज कर लो। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं ना, क्योंकि टाइम अब ज्यादा नहीं है, पहले एक्सप्लेन दस। देखो क्या है कि भाई पहले 2 सेकंड तक तो इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। यहां से स्टार्ट हुआ, पहले ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा, यहां पे इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, यहां पे इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, यहां से इसके ऊपर रिटार्डेशन लगने लगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का।
इसने ये तो बोला है कि अगर रिटार्डेशन इतना लग रहा है तो इसके 8 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो इसके लिए ग्राफ की क्या जरूरत है आपको, सीधे फॉर्मूला यूज कर लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v अगर मुझे निकालना है तो ग्राफ की कोई जरूरत ही नहीं इसमें। हाँ सही, खुशी कुमारी और आंसर इज करेक्ट, है ना। ग्राफ के चक्कर में पड़ोगे फालतू कंफ्यूज हो गए। यू की वैल्यू आपकी कितनी है, 5 है, प्लस माइनस 2 आपका एक्सलरेशन रिटार्डेशन है और टाइम की वैल्यू 8 है, तो माइनस 16 प्लस 8 माइनस 11 मीटर पर सेकंड आ गए। हाँ तो मतलब पूरे 10 सेकंड, क्योंकि चूंकि हम मैंने सिर्फ 2 से 10 की बात की अभी, तो भाई 0 पे यहाँ पे था ये, 2 सेकंड तक तो इसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट ही है ना, उसमें तो कोई चेंज आया नहीं, तो हम इसी के तो आगे की बात करेंगे। ये 10 सेकंड है तो टाइम इंटरवल तो 8 सेकंड ही हो गए ना, है ना। हो सकता है आप अगर आप टाइम इंटरवल इसमें 10 सेकंड ले लोगे तो आपका माइनस 15 आ जाएगा, वो गलत है ना, क्योंकि पहले 2 सेकंड तक तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही है, उसको लेने की जरूरत ही नहीं आपको। तो ये आपका आ गया माइनस 11 मीटर पर सेकंड आपका आ गया। और सेकंड पार्ट भी सीधे हम इसी से निकालेंगे फॉर्मूले से, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो आपके पास सीधे ही होता है, हाफ ए टी स्क्वायर है ना, तो सीधे फॉर्मूला आप निकाल लो। तो सीधे से फॉर्मूले से जब निकालेंगे तो यू की वैल्यू आपकी 5 है ना, टाइम की वैल्यू कितनी है आपकी 8 है, या इसको आप ग्राफ से कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ग्राफ से करने में ना पहले आपको वो टाइम निकालना पड़ेगा जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि जहां पे कट कर रहा है तो वो टाइम निकालेंगे जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकाल लो, v 0 करना है, यू 5 थी, माइनस 2 इंटू टी आ गया, तो टाइम की वैल्यू 2.5 सेकंड आ गई। मतलब यहां से 2.5 सेकंड के बाद, मतलब ये 4.5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट पहले ये एरिया आ जाएगा, ये एरिया आपका हो जाएगा 5 इंटू 2, फिर ये एरिया ऐड हो जाएगा इसमें, तो प्लस हाफ इंटू परपेंडिकुलर तो 5 है, ये बेस 2 से 4.5 तक है, मतलब ये 2.5 है, है ना। प्लस अब प्लस नहीं, नीचे चले गए तो एरिया ये माइनस हो गया, तो माइनस ऑफ हाफ बेस इन दोनों का डिफरेंस 5.5 है ना, और परपेंडिकुलर आपका 11 था, तो इससे आप सॉल्व करोगे इसे, है ना। तो इसको सॉल्व करके आपका जो आंसर आ रहा है ना, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो -14 आ रहा है। हाँ डिस्प्लेसमेंट -14 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर। और थर्ड पार्ट आ जाएगा आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस में ये जो माइनस है माइनस नहीं होगा, प्लस ही हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस हाफ ऑफ 5 इंटू 2.5 प्लस हाफ ऑफ 5.5 इंटू 11, यहाँ पे इसका सेंसर आ जाएगा। तो इससे जो डिस्टेंस आ रहा है वो आपका आ रहा है 46.5 मीटर, ये आपका आंसर आ गया, उस तरह से कर सकते हैं। तो जहाँ पे इक्वेशन की जरूरत है इक्वेशन से कर लिया, नहीं तो एरिया निकाल लिया इसका, ठीक है ना, इतना कर सकते हैं ऐसे। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। तो आप ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चंस बीच में अटेम्प्ट कर लेना, मीनवाइल मैं ग्रुप में जो है ना आपको होमवर्क शेयर करता हूँ, है ना, कि इस वीक का आपका होमवर्क है, हर वीक का होमवर्क मैं शेयर कर दूंगा। तो हर वीक आप करते रहोगे ना तो अपने आप लास्ट में बर्डन नहीं होगा, इजिली आपको पूरा मॉड्यूल कवर हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, थैंक यू सर, बाय बाय, थैंक यू सर, बाय बाय।